हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइट्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स के बाइट्स होते हैं और उनका हम क्या क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं, इसके अलावा उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए और कैसे उसको हम रेफ़र करेंगे। तो बाइट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे एनिमल बाइट्स है, इंसेक्ट बाइट है, ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे करके सारे ही जो बाइट्स हैं उसको हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी केवल इंसेक्ट बाइट के बारे में कि इंसेक्ट बाइट क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइट्स क्या होते हैं। बाइट की जो डेफिनेशन है वो है वुंड्स कॉज बाय प्रिकिंग और स्टिंग ऑफ द फ्लैश ऑफ ए पर्सन बाय एन एनिमल, इंसेक्ट और अनादर पर्सन, ठीक है। बाइट का मतलब आप समझ गए क्या होता है। बाइट का मतलब ऐसा होता है, ऐसे प्रिकिंग है या स्टिंग है जो किसके द्वारा हो सकता है, कोई पर्सन में किसके द्वारा, या एनिमल्स के द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, या फिर कोई दूसरा जो पर्सन है वो भी क्या कर सकता है, उसको बाइट कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे बाइट। अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके टाइप्स हो सकते हैं इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट में क्या हो सकता है, जैसे कि बी है, वॉस्प है, हॉर्नेट है, जेलीफिश है, इसके अलावा स्कॉर्पियन बाइट हो सकता है, स्नेक बाइट हो सकता है और डॉग बाइट हो सकते हैं। अब जो इंसेक्ट बाइट है उसको हम देखेंगे, इंसेक्ट बाइट में क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, जैसे शार्प पेन होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है इसमें कि जो इसके साइन सिम्टम क्या क्या होंगे। सबसे पहला होगा इसमें शार्प पेन एट द साइट ऑफ स्टिंग, स्वेलिंग अराउंड द अफेक्ट एरिया विद सेंट्रल रेडनेस पंक्चर पॉइंट, ठीक है, इसमें रेडनेस आ जाएगी। स्टिंग मे बी देयर इन द वुंड, वुंड के अंदर क्या हो सकता है, स्टिंग भी हो सकता है। इफ़ द पर्सन इज प्रोन टू एलर्जिक, द पर्सन मे गो इन टू शॉक, अगर पर्सन क्या है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है किसी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, वो पर्सन शॉक में भी जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। तो स्टिंग इन द माउथ एंड थ्रोट मे कॉज स्वेलिंग लीडिंग टू एस्फेक्सिया, कई बार क्या होता है कि जो स्टिंग है, सॉरी जो बाइट होते हैं, इंसेक्ट बाइट होता है, नेक में भी खा सकते हैं, थ्रोट में भी खा सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के कारण वो पर्सन क्या नहीं कर पाता, अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है एस्फेक्सिया। अब हम देखते हैं इसका जो इंसेक्ट बाइट है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो हाउ टू ट्रीट अ बी स्टिंग, बी होती है, ठीक है, हनी बी जिसको हम बोलते हैं, तो हनी बी में आपको ये ध्यान में रखना है कि हनी बी का जो स्टिंग होता है या जो पॉइजन बैग होता है उसका, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसमें एसिड होता है। तो हमने पहले ही जब हम 10th 12th क्लासेस में थे तो उसमें हमें पढ़ाया गया था कि जो एसिड है उसको बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या यूज़ में लेना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम बाई कार्बोनेट, या उसको हम कह सकते हैं बेस। एसिड तो उसमें है, एसिड को बेस से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, और बेस किस में हो सकता है, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये इसमें हो सकता है, जो हम क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं अपने घरों में, किचन में, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो ये है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेक आउट द स्टिंग, सबसे पहले क्या करना है कि जो स्टिंग है उसको क्या करना है, निकालना है। ट्रीट लोकल रिएक्शंस एंड वॉच क्लोजली फॉर साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हम क्या करेंगे, रिमूव ऑफ स्टिंग। स्टिंग को क्या करना है, ट्वीजर से क्या करना है, उसको निकालना है, लेकिन निकालते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि उसके अंदर का जो बैग है, पॉइजन बैग है, वो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। तो इफ़ द स्टिंग हैज़ बीन लेफ्ट एम्बेडेड द स्किन, होल्ड ट्वीजर्स एज नियर टू द स्किन एज पॉसिबल, ग्रैप द स्टिंग एंड रिमूव इट, ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या करना है, ट्वीजर्स लेना है और जितना पास हो सके स्किन के रख के उसको, और उसको स्टिंग को क्या करना है, वहाँ से रिमूव कर देना है। सेकेंड स्टेप में है क्या करना है, लोकल ट्रीटमेंट देना है। लोकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, बी वेनम एज एसिडिक शुड बी न्यूट्रलाइज बाय एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया और बेकिंग सोडा, जो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि हम क्या करेंगे, उसको एसिड होता है उसमें, तो उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, किससे,
बेस से, और बेस किस में होता है, जैसे अमोनिया हो गया, सोडियम और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसके बाद है जो वाष्प वेनम होता है, वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, शुड बी न्यूट्रलाइज बाई एप्लीकेशन ऑफ विनेगर और लेमन जूस। लेमन जूस और विनेगर में क्या होता है, एसिड होता है, जबकि जो वाष्प होता है जिसको हम ततैया बोलते हैं, उसके वेनम में क्या होता है, वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, एल्कलाइन मतलब बेस होता है, तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। तो एसिड में क्या ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, विनेगर ले सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा है फॉर जेलीफिश स्टिंग अप्लाई कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन उसको अप्लाई कर सकते हैं जेलीफिश स्टिंग के लिए, एंड अप्लाई कोल्ड कंप्रेस एंड स्प्रिट एट द साइट ऑफ स्टिंग। स्टिंग के साइड में क्या कर देते हैं, कोल्ड कंप्रेस करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो पेन होता है उससे पेन से रिलीफ मिल जाए। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, गिव आइब्यूप्रोफेन टैबलेट टू रिलीफ पेन और स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, तो उसको रिलीफ करने के लिए या क्या दे सकते हैं, आइब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल जो आती है, ब्रूफेन होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। गिव एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हैं, एविल है, फिनारामाइन टैबलेट है, और इंजेक्शन है किसके लिए, फॉर एलर्जी, अगर किसी भी तरह की उसमें एलर्जी नहीं हो, इसके लिए पेशेंट को क्या दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन जो टैबलेट आती है एविल की होती है, एविल डेक्सोना जिसको बोलते हैं, या फिनारामाइन टैबलेट होता है, इंजेक्शन भी आता है इसका, तो वो क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं हो। स्टेप जो थर्ड है, उसमें क्या करेंगे, स्टिंग एट फेस, अगर कोई भी हनी बी है, वास्प है, उसको फेस पर उसको खा गया है, किसी पर्सन को बाइट कर गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, टू रिड्यूस स्वेलिंग गिव आइस टू सक, क्यों करेंगे, उसके माउथ में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसको क्या देना है, आपको आइस देना है, ताकि उसकी जो स्वेलिंग है, पेन है माउथ के अंदर का, वो कम हो जाए। रिंस द माउथ विथ कोल्ड वाटर सॉल्यूशन एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से या फिर कोल्ड वाटर से उसको क्या करेंगे, कुल्ला करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। इफ़ ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली हॉस्पिटल, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, एस्फेक्सिया हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही पेशेंट को क्या कर देना है, रेफ़र कर देना है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के वीडियो में मैंने आपको हनी बी और वास्प के बाइट कर जाता है उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।